Assalamu alaikum dear students, welcome xpacademy.com जहां पर आप step by steps Autodesk Revit 2017 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। Dear students, इस lesson में आपको Autodesk के अंदर undo और redo की power बताने जा रहा हूं। Basically आपके पास एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है और सम टाइम ऐसा होता है आप काम करते करते कोई गलती से ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं जो आपको बहुत प्रॉब्लम करती है, तो उस तक वापस पीछे जाने के लिए फिर आप अंडू और रीडू का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। लेकिन रेविट के अंदर इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सामने लाया गया है, ठीक है। अब वो क्या तरीका है आइए मैं आपको इस लेसन के अंदर बताता हूँ डिटेल से। मैं अपने पास रेविट की फाइल एक ओपन कर देता हूं, रेविट 2017 मेरे पास ओपन हो चुका है। अब आप स्टूडेंट्स क्या करें, अपने पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट यहां पर हम लोग बनाए देते हैं। अभी तक मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया नहीं आप कैसे बनाते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। आपने मुख्तलिफ किस्म के यहां पर आप काम कर ले, मैंने ये मुख्तलिफ यहां पर देखे मुख्तलिफ में क्लिक्स कर रहा हूं लाइनों के, ठीक है। ये मुख्तलिफ मैंने क्लिक्स कर दिए, स्केप कर देता हूं लाइन को खत्म करने के लिए। अब मैं यहाँ पे डोर लगा देता हूँ, डोर के ऊपर गया लाइन में ही और मुख्तलिफ जगह पे मैं अपने पास यहाँ पर डोर असाइन कर देता हूँ और इसी तरह से मैं स्केप कर दूंगा, अगेन मैं इधर गया और अपने पास विंडो लगा देता हूँ यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे। ये मैंने यहाँ पर विंडो का भी यूज किया और इस तरह से देखिए मैं बहुत वर्किंग करता जा रहा हूँ। और इसी तरह से अगेन आप यहाँ पे गए, आपने कहा आप कुछ ऐसा ना चाहिए, कुछ कॉपी पेस्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं हम लोग। मैं ऐसा कर लेता हूँ, कॉपी का फंक्शन उठा लेता हूं, मैंने ये लाइन उठाई और इसको मैं यहाँ पे कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप फिर थोड़ा सा मूव का फंक्शन हम यूज कर लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम लोग मूव कर देते हैं आगे की तरफ, इसे थोड़ा सा मूव कर दिया जाए यहाँ पे। अगेन आप मूव पे चले जाए, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन दी और मूव कमांड को यूज करते हुए मैं इसको एक पॉइंट दे के ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो Like this, इस तरह से मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस को यूज किया है। अब ये स्टूडेंट्स होता क्या है, नॉर्मली आप कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई से रीडू और अंडू को यूज करते हो, जैसे कि देखिए कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई मैंने प्रेस किया, इसी से तो आई होप आपको मालूम होगा कंट्रोल जेड और कंट्रोल जी किस लिए आपके पास यूज किया जाते हैं, अंडू रीडू कैसे यूज किया जाता है। इस तरह से अगर आप अपने क्विक एक्सेस बार में चले जाए तो आपके पास यहाँ पे अंडू और इस तरफ आ जाए रीडू है, डेफिनेटली यहां पर आएंगे आपके पास अंडू होगा और रीडू आपके पास आ जाएगा। लेकिन लेकिन जो चीज मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं वो आपके पास ये छोटे एरो है, अगर आप यहां पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए नंबर ऑफ कमांड्स जितने भी आपने यूज किए हैं वो तमाम आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर मिलेंगी। अब आप कितना पीछे जाना चाह रहे हो देखिए, अब आप अपने पहले डोर तक जाना चाह रहे हो, जैसे आप क्लिक करेंगे तो जस्ट इस पूरी लाइन के अंदर आपको सिर्फ एक डोर नजर आएगा। तो ये क्विक तरीका है पीछे जाने का, डन। इस तरह से वापस आप इधर आ जाएं, आप कितना आगे आना चाह रहे हो, दो डोर तक आना चाह रहे हो, तो ये देखें यानी कि यहां पे आपके पास कंट्रोल है, ठीक है, एक कंट्रोल आपको बता रहे हैं। ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसका फीचर्स है, यानी कि आपके पास अंडू और रीडू के लिए भी यहां पर एक ड्रॉप डाउन बन जाता है जिसमें आपको ये बताता है अब तक कितनी कमांड यूज हुई है, क्या क्या यूज हुई है, आप कितना अंडू करना चाह रहे हो और कितना आप अपने आपको रीडू करना चाह रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट्स जहां तक मेरी मालूमात है, जब तक मैंने स्टडी किया था, अंडू और रीडू ये आई थिंक के नियर अबाउट 1000 टाइम अपने पास इस चीज को कंट्रोल करता है। लेकिन इतना बड़े प्रोजेक्ट ये नहीं, कभी अंडू या रीडू करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी ये मैं आपको बताता चलूं कि आप यहाँ पे बिला धड़क अपने एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, उसको स्टार्ट से एंड तक, एंड से स्टार्ट तक अंडू रीडू आप कर सकते हैं, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही पावरफुल टूल है अंडू और रीडू का, इसका स्टाइल बड़ा डिफरेंट है रेविट के अंदर। तो इसलिए इस चीज का मैंने आगे जाने से पहले मैंने सोचा कि इस चीज का आपको कंफर्म जरूर होना चाहिए, मालूमात आपके पास जरूर होना चाहिए। हत्ता के अभी तक मैंने आपको ये तमाम चीजें ड्रॉ करना नहीं बताई, लेकिन आई होप कि रफली जैसे भी मैंने ड्रॉ किया है आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और मेरा जो मकसद था, जो आपको बताने का जो एक नजरिया जो मैंने रखा था, आई होप आप उसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था आज का हमारा लेसन। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शंस या
कोर्स की मजीद मालूमात चाहिए तो प्लीज विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं, और आखिर में जाकर इन तमाम कोर्सेज की आपको बकायदा सनेट सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो प्लीज हमें कॉल कर सकते हैं 0343-901-7779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है xpacademy, और सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है xpacademy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। सब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।